नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज पे। आज हम लोग बात करने वाले जेड ट्रेडर्स स्टॉक के बारे में। उसके पहले बताना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोगों को, जो लोग हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों का चैनल जो है शुरू करके यूट्यूब में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बट उसके चलते हम लोगों ने अभी तक का जितना भी स्टॉक का जो है टारगेट प्राइस दिया है सब ऑलमोस्ट जो है कम्प्लीट हो चुका है, या फिर 90% के ऊपर जो है स्टॉक का टारगेट प्राइस कम्प्लीट हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जो स्टॉक ले वो आप मतलब आपको लेना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। हम लोग सिर्फ हम लोग का जो ओवरव्यू है वो रखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं या फिर जब भी आप कोई स्टॉक सेल करते हैं आपको जो है उसके बारे में अच्छी तरह से जो है एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए, ना कि कोई भी एक गलत इन्फॉर्मेशन में आके आप वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है आपके पास उसको सेल कर दीजिए या फिर वो स्टॉक को जो है बाई कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, कुछ दिन से जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ जो लोग है वो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट्स में आके कुछ जो है गलत लिंक्स जो है सेव कर रहा है या फिर कमेंट पे डाल रहा है, वो स्पैम्स है। ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप उसमें जो है बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। चलिए अभी शुरू करते हैं जेड ट्रेडर्स के स्टॉक के बारे में बातें। जेड ट्रेडर्स स्टॉक में दोस्तों हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो दिया था और उसमें हम लोगों ने बताया था कि जेड ट्रेडर्स स्टॉक में जो है और एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है हम लोगों को। और आप देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पे जो दिख रहा है स्टॉक पे जो है अभी भी तेज़ी बना हुआ है। स्टॉक का प्राइस अभी 30.55 में ट्रेड हो रहा है एक स्टॉक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिन में करीबन 4.98% का रिटर्न दे चुका है अभी, जो हम लोग आगे आपको दिखाएंगे। एक महीने का ग्राफ जो आप लोग दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, एक महीने में 11.03% का रिटर्न दे दिया है जेड ट्रेडर्स ने। सेंसेक्स में 9.35% का जो है अपट्रेंड मिला है जेड ट्रेडर्स में दोस्तों। ये अभी से नहीं, आप देखेंगे बीच में भी जो है एक दो महीना पहले एक बार अपट्रेंड देखने को मिला था अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को, बट फिर से इसमें एक बार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि जेड ट्रेडर्स का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है उसके चलते जो है मतलब आप देख सकते हैं कि अच्छा एक डिले हो गया है और स्टॉक में ऐसा बना है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसा चल रही रहा है बहुत दिन से। अभी जेट एयरवेज में एक अच्छा न्यूज़ आया है तो वही हम लोग आपको इस चैनल के द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा बताना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे दोस्तों। जैसे कि पता है आप लोगों को कि हम लोग कुछ भी एक न्यूज़ पुख्ता जब तक नहीं हो तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा पसंद नहीं कि हवा में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दे स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में। तो जेट एयरवेज में जो है अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया कि जेट एयरवेज में दो बिडर्स जो है फाइनल हो चुका है और आपको जो है तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसी के चलते आप करीबन दो तीन दिन पहले का वीडियो देखेंगे हम लोग का, तो उसमें से या फिर आपको स्टॉक भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टॉक में जो है एक अपट्रेंड बना हुआ है कंटिन्यूसली, एक हफ्ते हो गया है। तो क्योंकि जेड ट्रेडर्स ने ये डिक्लेयर किया है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस देख रहा था उन्होंने ये बताया है कि जेड ट्रेडर्स के दो बिडर्स मिल चुका है और ये बहुत ही अच्छी बात है जेड ट्रेडर्स के जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जेड ट्रेडर्स में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए। इसीलिए जेड ट्रेडर्स में जो अच्छा खासा तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मूविंग एवरेज का बात करते हैं, अगर 5 डेज का 26.15 का यहाँ पर मूविंग एवरेज दिख रहा है, और अगर हम लोग 20 डेज का बात करते हैं 28.25 का जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज हम लोग को दिखने को मिल रहा है। अभी प्रमोटर शेयर होल्डिंग ये स्टॉक में जो है अच्छी खासा एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिला है सबको, तो इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग में कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ पे। हम लोग फिर भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अदर जो DIS है उन लोगों के पास करीबन 51.03% स्टेक जो है अदर DIS के पास है। जेड ट्रेडर्स में अभी जो न्यूज़ आया है आपको डिस्कस करेंगे आगे, उसके चलते हो सकता है कि जेड ट्रेडर्स में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले हम लोगों को, और ये न्यूज़ के चलते हम लोग को लग रहा है दोस्तों कि शायद से जेड ट्रेडर्स का जो बिडिंग चल रहा था वो फाइनल हो जाए और जेड ट्रेडर्स दोबारा से जो चलना शुरू हो जाए तो बहुत ही एक अच्छा बात रहेगा दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जेड ट्रेडर्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है दोस्तों ये एक्चुअली हम लोग ने मनी कंट्रोल से निकाला है। जेड ट्रेडर्स इंसॉल्वेंसी ये बताया जा रहा है कि FSTC लीड कंसोर्टियम प्रोमिसेस 100 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू रिवाइव एयरलाइन। FSTC करके जो है
उन लोगों का जो लीड करते हैं उन लोगों ने, वो लोग जो लीड करते हैं कंसोर्टियम है, उन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि उनके द्वारा करीबन 100 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग करेंगे जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए, मतलब जेट एयरवेज को दोबारा ग्राउंड से मतलब ऑपरेशन में लाने के लिए, इसको दोबारा चलाने के लिए करीबन 100 मिलियन डॉलर जो है इन लोगों ने जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ग्राफ भी आप देखेंगे तो ग्राफ में भी आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा कि अभी जो इसमें एक पैटर्न दिखता हुआ जो है बनता हुआ दिख रहा है, वो जो कंटिन्यूसली ग्राफ में एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आगे की बात करेंगे हम लोग तो ये निकल के आ रहा है बात दोस्तों कि द कंसोर्टियम ऑफ फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ जो है FSTC जो लीड करते हैं, ये या फिर बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट LLC, इन लोगों के द्वारा जो है करीबन 100 मिलियन डॉलर जो है सिक्योर करके रखा है जेट एयरवेज को दोबारा चलाने के लिए। यहाँ पे इन लोग का अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये दिया गया है कि वी हैव सिक्योर्ड ए फंडिंग ऑफ 100 मिलियन थ्रू आवर पार्टनर्स, इन लोग का जो पार्टनर्स है अभी जिन लोग का नाम बताया उनके द्वारा 100 मिलियन डॉलर जो है सिक्योर किया गया ताकि जेट एयरवेज को दोबारा वापस लाया जाए। टू स्टार्ट विथ यहाँ पे इन लोगों ने कुछ लोगों का नाम दिया है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो दुबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हैज़ ऑल्सो बॉट इन ताहा ग्रुप ए मिडिल ईस्ट बेस्ड बिजनेस हाउस। अभी यहाँ पे आगे की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो जेट एयरवेज में करीबन जो है ये जितना हम लोग को अभी आइडिया आ रहा है करीबन 6 महीने के ऊपर हो गया है जेट एयरवेज में कंटिन्यूसली जो है एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के चाहते आप देखेंगे तो बिडिंग या फिर बिडर्स जो है नाम आ रहा है सामने, बहुत जन इंटरेस्ट भी दिखाया उसमें से, हिंदुजा ग्रुप ने भी बहुत बार इंटरेस्ट दिखाया जेट एयरवेज का जो है स्टेक खरीद के दोबारा जेट एयरवेज को जो है वापस लाने के लिए। और जितना इन्फॉर्मेशन है शायद से एक बार देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी जी ने भी बताया था शायद, या फिर ऐसा भी कुछ मीडिया में न्यूज़ आया था कि मुकेश अंबानी जी भी जो है जेट एयरवेज का हो सकता है स्टेक खरीदे, बट जितने भी न्यूज़ आया था ये उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और जो भी मीडिया में पहले न्यूज़ आया था बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया था कि जेट एयरवेज का स्टेक खरीदने वाले हैं, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। उसके बाद फाइनली अभी हम लोग जो देख रहे हैं करीबन अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है 2 महीना हो गया रहेगा, उसके चलते अभी फिलहाल जो है 2 बिडर्स सामने आ चुका था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन भी दिया था। अभी उसमें से एक बिडर सामने आके करीबन जो है ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो लोग 100 मिलियन डॉलर जो है सिक्योर करके रखा है ताकि जेट एयरवेज को दोबारा चलाया जाए, और वो लोग ये भी बताया करीबन 5 से 10 जो है एयरक्राफ्ट के द्वारा जेट एयरवेज का जो है दोबारा जो है चलाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जेट एयरवेज में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है करीबन 150-200 रुपये में एक एक स्टॉक खरीद के रखा था, क्योंकि जितना भी बार ऐसा न्यूज़ आया मीडिया में कि जेट एयरवेज में जो है बिडिंग शुरू हो गया है, बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, उसी समय आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा डाल दिया था जेट एयरवेज में, क्योंकि सबको लगा था कि शायद जेट एयरवेज में अभी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके चलते जिन्होंने पैसा लगाया थोड़ा उनको जो एक लॉस देखना पड़ा है, अभी डिपेंड करता है उन लोगों ने अभी सेल किया कि नहीं किया, क्योंकि अभी जो जेट एयरवेज में मूवमेंट देखने को मिल रहा है या फिर अभी जो न्यूज़ आ रहा है उसके अगर हिसाब से तो जेट एयरवेज जो है बहुत ही जल्दी हो सकता है शुरू हो जाए, और ये जो भी इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत ही एक खुशी की खबर रहेगा दोस्तों। तो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अभी जो एक इन्फॉर्मेशन आया जेट एयरवेज के बारे में जो अपडेटेड है वो आपके सामने रखने के लिए, और ये एकदम पुख्ता न्यूज़ है इसीलिए हम लोग के यूट्यूब चैनल द्वारा आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, @FinnoEdge के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल जो हम लोगों ने बनाया दोस्तों उसके पीछे मकसद यही है कि हम लोग जो है जस्ट एक डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं कि जिसको सब कुछ नॉलेज आता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में, तो हो सकता है कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एंड फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि चैनल को जो है सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए।